अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेशनल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद रहमान और इस वक्त यूसेट एस्पिरेंट्स को मैं देता चल रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज़ के HEC ने यूसेट बैच 1 का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस कर दिया है। तो बेटा इस वक्त आप HEC की वेबसाइट पे जाएं और HEC.gov सर्च करें, वहां HEC की वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर आप नीचे न्यू अनाउंसमेंट का आइकन होगा, उसके साथ यूँ चल रही होगी, पट्टी चल रही होगी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अनाउंसमेंट की हैं और उसमें उन्होंने यूसेट बैच 1 का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है। तो जहाँ यूसेट बैच 1 का रिजल्ट अनाउंस किया है आप वहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ आंसर की जो है वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें तकरीबन 4 ह्यूमैनिटीज़ की हैं, इसी तरह 4 जनरल साइंस ग्रुप की हैं, CS ग्रुप की हैं, कंप्यूटर साइंस ग्रुप की हैं और मेडिकल और इंजीनियरिंग की हैं। तो उनमें से जो कापी आपको दी गई थी आप उसका रिजल्ट मैच कर सकते हैं। अगर आपको वाइट कॉपी दी है तो आप अपनी वाइट कॉपी की जो आंसर की है आप उसका रिजल्ट जो है उसको आप मैच कर दें। तो इस वक्त मैं आपको तरीका बता देता हूँ साथ, और आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो उसको अपडेट कर दें। इस वक्त YouTube पे बहुत से लोगों ने अपडेट की हैं वीडियोस, लेकिन वो वीडियोस में सिर्फ उन्होंने एक ही जो है उसको डिस्कस किया है। यहाँ मैं भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मुश्किल है कि सारी की सारी वीडियोज़ को डिस्कस किया जाए यूट्यूब पर। तो उससे बेहतर ये काम है कि हम आपको बताएँ कि ये लिंक है, आप जाके जो आपको कापी दी गई थी यूसेट टेस्ट में, आप उस कापी के रंग के मुताबिक जो आपकी रंग है, अगर वाइट है तो वाइट को क्लिक कर लें, अगर पिंक है तो पिंक को क्लिक कर लें, ब्लू है तो ब्लू को क्लिक कर लें, जो भी आपका रंग था उसको आप क्लिक करके आप मैच कर सकते हैं। तो YouTube पे बहुत से लोगों ने अपडेट की है लेकिन उन्होंने ब्लू अपडेट कर दी है या वाइट अपडेट कर दी है, तो ये मैं इससे बचना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। तो मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, अभी एक दिन रह गया अप्लाई करने में, आप इसको टेस्ट देख लें, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो हम इंशाल्लाह दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा बताएंगे, आज ही वीडियो में बताएंगे कि दोबारा अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए प्रोफेशनल ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।